आप देख रहे हैं खबर दोपहर और इस वक्त एक ताजा अपडेट प्रयागराज से है। वहां पर एक निजी बस में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आग लगने से निजी बस जलकर राख हुई बताई जाती है। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है। आग लगने के वक्त बस में कोई भी मौजूद नहीं था। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यह आग कितनी भयावह तरीके से लगी हुई थी इस बस में। एक निजी बस और धू धू करके जलती हुई बस, उसका ऊपरी हिस्सा तो पूरा ही जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन राहत की बात यह थी कि आग लगने के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था। दो तस्वीरें हैं, एक जल चुकी बस को लगभग आप देख रहे हैं, जब तक उसकी आग बुझी तब तक उसका यह हश्र हो चुका था, लेकिन जब आग लगी हुई थी उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी, और यह प्रयागराज की तस्वीर। तमाशबीन लोग देख रहे हैं कि आग ने इस बस का क्या हाल कर दिया। राहत की बात थी कि जब आग लगी तो उस वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं था। बाद में दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन काबू पाने के बाद भी बस की क्या दशा हुई वो आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में फिर से बदलाव होने की खबर मिल रही है। 12वीं तक के स्कूल कॉलेज सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे, और भीषण गर्मी के चलते डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। संशोधित समय 24 अप्रैल से प्रभावी है। इससे पहले कक्षा 8 तक के स्कूल दोपहर 12:30 बजे तक और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 1:30 बजे तक खुलने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भीषण गर्मी को देखते हुए आदेश को संशोधित कर दिया है। और आपको बताया कि आगरा नगर निगम चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। आगरा के दो वार्ड 54 और 94 में भाजपा के दो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया है कि भाजपा निकाय में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, और ऐसे में आगरा में जो निकाय चुनाव की कमान है वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। लगातार वो क्षेत्र क्षेत्र जाकर वो संपर्क कर रहे हैं हमारे साथ हैं। मंत्री जी, लगातार ये देखा गया कि कई सारी एक ऐसी सीटें थी जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी में ही आपस में कंफ्लिक्ट था, निर्दलीय वो उन्होंने दावेदारी ठोंकी, अब आपने खुद इसकी कमान संभाली, कई सारी जगह प्रत्याशी बैठ गए, उन्होंने पर्चे वापस ले लिए। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि लगभग 25-30 हज़ार वोट का एक वार्ड है और लोगों को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। केवल भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, बैंक करप्ट ना हो, तो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आगरा का एक रिकॉर्ड हम शायद यूपी का बना रहे हैं कि वार्ड नंबर 54 पर हमारे लोग रेणु गुप्ता जो हैं वो निर्विरोध हो गई हैं। क्षमा जैन ने अपना वापस किया और सुनीता पाठक जी ने वापस किया हम लोगों का अनुरोध किया, और इसी प्रकार से कमला नगर में 94 नंबर वार्ड है जहाँ प्रदीप अग्रवाल हैं, और वहाँ समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई एक ना स्थानीय ना बाहरी प्रत्याशी नहीं मिला, ये इस बात का प्रतीक है। ज़्यादातर वार्डों में जो निर्दलीय जिन्होंने नामांकन किया है, पर्चा वापस ले लिया है, तो कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ रही है, पूरी पार्टी मैदान में नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।